नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं टैरो टिप्स के बारे में। चलिए बताते हैं आपको क्या कहती है आपकी राशि और उपाय भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों की। कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल कर ले। काम काज में अड़चने आएंगी। जीवन साथी की बातों पर भी ध्यान दे। उपाय है श्रीयंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि वालों की। कानूनी मामलों का निपटाना होगा। शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियां व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा। ऋणों का पूर्ण भुगतान भी होगा। उपाय है शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर चढ़ाकर अच्छे से स्नान कराएं। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों की। आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन होंगे। यदि आप नवीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं तो मित्र वर्ग आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा। उपाय है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए घी की 108 बार आहुति दें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों की। आमदनी को बढ़ाने के प्रयासों में समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। उपाय है ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा मंत्र का 31 बार जाप करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों की। आपके मन में उत्साह का संचार रहेगा लेकिन आशंकाएं बनी रहेंगी। आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है। उपाय है कौड़ियों को लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। वर्तमान में उन्नति होते दिख रही है। इस दौरान आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपके आकर्षण से दूसरे प्रभावित होंगे। उपाय है हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों की। पारिवारिक मामलों में आप समझदारी से कार्य लें। वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सक मदिरापान से दूर रहें। उपाय है अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। आपको जरा व्यवहारिक होने की जरूरत है। अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। असंतुलित भोजन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। उपाय है 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता को अर्पित करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों की। आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य में विफलता की वजह से मन में खिन्नता रहेगी। उपाय है देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। परिस्थितियां आपको हाथ से निकलती लगेगी लेकिन सब कुछ आपके अनुकूल भी हो जाएगा। मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे। उपाय है देवी मां को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रख कर समर्पित करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की। आप नई चीजों को लेकर अपने आप को साहित महसूस नहीं कर पाएंगे। शीघ्र ही आपको की गई गलती का एहसास होने लगेगा। स्वास्थ्य नरम रहेगा। उपाय है माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों की। व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। आप महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। साझेदारी में सावधान रहें। उपाय है मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुतिक रिपोर्ट।